अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 18 ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ एंड टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट विमेन प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़े निस्वा एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 10 ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। ख़वातीन पर तशद्दुद एक आलमी मसला है जिसका सामना दुनिया भर की लड़कियाँ और ख़वातीन कर रही हैं। इस तशद्दुद की कई किस्में हैं जिनमें घरेलू बदसलूकी, गैरत की बिना पर कत्ल, जहेज़ को बुनियाद बनाकर तशद्दुद, नो मौलूद बेटियों का कत्ल, कम उम्री में शादी, जबरी शादी और तेज़ाब फेंक कर चेहरा मसख करना वगैरह शामिल है। ख़वातीन पर तशद्दुद की बुनियादी वजह यह है कि ख़वातीन मर्द की नस्बत कमतर समझी जाती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। एक महज़ब मुआशरे में मर्द व ख़वातीन को मुसावी हुकूक़ दिए जाते हैं। ये दोनों तमाम शुभाए ज़िंदगी में आज़ादाना किरदार अदा करते हैं और घर के बाहर और अंदर बराबरी की सतह पर अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करते हैं। गोया महज़ब मुआशरा कायम करने के लिए सिन्फी मसावात, जेंडर इक्वलिटी को एक्सेप्ट करना, तस्लीम करना ज़रूरी है। तो आज के चैप्टर में हम तहफ़्फ़ुज़े निस्वा से रिलेटेड तमाम जो सवालात हैं या टॉपिक्स हैं, उनवानात हैं, उनको हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मर्दाना बर्तरी के एतकादात पर मबनी निज़ाम में मर्द की फोकियत और औरत की कमतर हैसियत को उजागर किया जाता है और ख़वातीन को अपने कमतर दर्जा का पुख्ता यकीन दिलाने के लिए तशद्दुद किया जाता है। नतीजा में ख़वातीन के लिए मौके और इहाताकार इस तरह महदूद कर दिया जाता है कि वो समाजी, मुआशी या ज़हनी तौर पर तरक्की नहीं कर सकती। मर्दाना बर्तरी की इन नारवा इकदार में ख़वातीन के एक जगह से दूसरी जगह आने जाने पर पाबंदी, हसूल तालीम की राह में रुकावट, अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए मुलाजमत के हसूल से मना करना और अपनी ख्वाहिश के बग़ैर कम उम्री में शादी करना जैसी एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। मर्दाना बर्तरी के मनफी रुझानात में आमतौर पर मर्दों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ख़वातीन को अपने मर्दानापन या मर्दानगी से रोशनास करें। समाज में मर्दाना बर्तरी के मुरवजा मनफी अंदाज का तकाजा है कि वो ख़वातीन को अपने रवैया से बालातर होने का एहसास दिलाकर जारहाना अंदाज के रोबो दबदबा से नज़्म व ज़ब्त में लाएं। मर्दों के इस बरतर अंदाज का ना सिर्फ मर्द हजरात खुले आम इजहार करते हैं बल्कि ख़वातीन भी इस अमल में बराबर शामिल है। मनफी बरतरी के मुआशरती एतकादात की बिना पर ख़वातीन भी यकीन करने लगती हैं कि मर्दों को ना सिर्फ तशद्दुद के ज़रिए ख़वातीन को काबू में रखना चाहिए बल्कि वो रकम और जायदाद की मलकियत की बिना पर भी ख़वातीन को काबू में रखने पर कादिर हैं। इजहार मर्दानगी के ये रोजनात मर्द व ख़वातीन और तनवों पर मबनी मुआशरों के लिए नहायत मुज़िर असरात रखते हैं।
इस्लाम सबके लिए मुसावात का दर्स देता है। 1400 साल कबल इस्लाम ने इनकलाबी नौयत के हुकूक अता किए, जिसके तहत ख़वातीन विरासत का हकदार बन सकती हैं, वो तालीम हासिल कर सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से शरीक हयात का इंतखाब कर सकती हैं, अपनी इज़्ज़त व विकार के तहफ़ुज़ का हक़ रखती हैं, हत्ता कि खावन से अलहदगी खुला का हक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तान को गैरत की बिना पर कत्ल जैसे मसाइल का सामना, जिनका बेशतर ख़वातीन ही शिकार होती हैं, ताहम कुछ मर्दों को भी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। अमूमन ख़वातीन के कत्ल का ज़िम्मेदार कोई मर्द रिश्तेदार ही होता है, जिसकी वजह ये पेश की जाती है कि मकतूला ने ख़ानदान की इज़्ज़त को पामाल किया। मजहबी लिहाज से अगर देखें तो इस अमर की इस्लामी कतन इजाज़त नहीं है। कुरान मजीद में कत्ल से मना किया गया और अल्लाह की निगाह में ये बदतरीन फेल है। यह ख्याल कि एक इंसान की इज़्ज़त किसी दूसरे इंसान के आमाल से वाबस्ता है गलत है, हत्ता कि ये गुमान करना भी गलत है कि किसी इंसान की इज़्ज़त दूसरे इंसान के कत्ल करने में पोशीदा है। कुछ लोग दलील देते हैं कि ख़वातीन को घर की चार दीवारी तक महदूद रहना चाहिए, मगर इसके बरक्स इस्लाम इन्हें काम करने की इजाज़त देता है। कुरान हकीम में बयान किए गए कसाइस में एक के मुताबिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां, जिनमें से एक बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के निकाह में भी आईं, भेड़ों की देखभाल करती थीं, रेवड़ चराती थीं और खेतों को पानी दिया करती थीं, क्योंकि उनके वालिद ज़ईफ़ होने की वजह से ख़ुद भेड़ों की देखभाल नहीं कर सकते थे। इसी तरह सही मुस्लिम की एक हदीस में बयान किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलाक याफ्ता खातून को अपने बाग में जाने और ज़िंदगी के रोज़मर्रा अखराजात पूरा करने के लिए ख़ुद फल लाने की इजाज़त दी थी। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक और हदीस में बयान है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को दौरान जहाद सामान खुर्दनोश की फराहमी और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने की इजाज़त दी थी। एक और जगह बयान हुआ है कि हज़रत अशिफा बिनते अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि इस्लाम कबूल करने वाले अवलीन ग्रोह में से थी और उनका शुमार मक्का के उन चंद लोगों में होता था जो पढ़ने लिखे थे और पढ़ने लिखने की ये जो इनकी सलाहियत थी उसकी वजह से जो है वो उनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि खलीफे दोम थे, उन्होंने मदीना के बाज़ार में मुख्तलिफ अमूर का निगरान मुकरर फरमाया था। ख़ुद वो तिब की माहिर थी, ताकि वहाँ पे जो बाज़ार में आने वाले मर्दों ख़वातीन की जो कारोबारी ख़रीदो फ़रोख्त है वो उसके ऊपर निगाह रखें। हर मुआशरे में ख़वातीन का किरदार नहायत अहम रहा है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन ने नहायत अहम खिदमात सर अंजाम दी। और बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई कौम उस वक्त तक तरक्की की शानदार मनाजिल तय नहीं कर सकती जब तक इसकी ख़वातीन मर्दों की शाना बशाना खड़ी ना हों। हम मुकामी रवायात के सितम गुजीदा हैं, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जुर्म है कि हमारी ख़वातीन घरों की चार दीवारी के अंदर कैदियों की तरह मुकैद हैं। दुनिया भर में कहीं भी इतनी नागुफ्ताबे हालत नहीं है जिस तरह हमारी ख़वातीन रह रही हैं। ख़वातीन की कामयाबियों और खिदमात की कई मिसालें पाकिस्तान की तारीख से दी जा सकती हैं, जैसे मोहतरमा फ़ातिमा जिना हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहन होने के साथ साथ
एक सरगर्म सियासी कारकुन भी थी। कायद आजम की वफात के बाद और उन लोगों की मुखालफत के बावजूद जो सियासत में ख्वातीन के किरदार के शदीद मुखालिफ थे, वो बहादुरी के साथ मैदान सियासत में रहीं और सदारती इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया भर में पहला इस्लामी मुल्क है जिसमें एक खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। पाकिस्तानी ख़वातीन की जद्दोजहद और हौसले की एक और रोशन मिसाल आलमी स्क्वाश खिलाड़ी मारिया तूर जो है वो है। एक जवान लड़की जिसने खेलों में हिस्सा लेने के लिए लड़की का भेस इख्तियार किया। जिस वक्त ये राज अफशा हुआ तो उसे डराया धमकाया गया। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद वो स्क्वाश खेलने के लिए पुरअज़्म रहीं। आज वो पाकिस्तान में स्क्वाश के आला तरीन खिलाड़ी हैं और कई आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का शर्फ हासिल कर चुकी हैं। इसी तरह मरियम मुख्तार, जिन्होंने पाकिस्तान की वाहिद जंगी हवाबाज खातून बनकर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहादत का मर्तबा हासिल किया। 20 साला पाकिस्तानी फुटबॉलर शहला बलोच, जो कि हाल ही में एक कार हादसा में ज़िंदगी की बाजी हार गई, इनका नाम भी ऐसी ख़वातीन में शामिल है जिन्होंने ख़वातीन की सरबुलंदी और खेलों समेत तमाम शोबाए ज़िंदगी में काबिले फ़ख्र काम सरंजाम देकर नाम रोशन किया। घरेलू कामों में ख़वातीन की कारकर्दगी को कभी सराहा नहीं जाता। मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देने और ख़ानदान की माली मुआवनत के लिए कई ख़वातीन ने ज़रात से तालीम और सनत वगैरह के शोबों में नहायत मेहनत से खिदमात सरंजाम दी हैं। हुकूमत पंजाब ने ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के मामले से निमटने के लिए कई कवानीन बनाए। 2010 में पंजाब की प्रोविंशियल असम्बली ने ख़वातीन के काम करने की जगह पर हिरासा करने से बचाव और सज़ा दिलवाने का एक कानून मंजूर किया। दूसरे कवानीन जैसे कि पंजाब मुस्लिम फैमिली के कवानीन, तरमीमी कवानीन 2015 और पंजाब में कम उम्र की शादी पर पाबंदी का एक्ट 2015 निकाह ख्वाह हजरात पर लाजिम करता है कि वह तमाम मुसलमानों के निकाह नामे के कालम को मुकम्मल पुर करें। ये उन लोगों पर सज़ा का अरसा और जुर्माना की रकम भी बढ़ाता है जो 16 साल की कम उम्र लड़की से शादी करते हैं या 18 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करते हैं। इसके अलावा दूल्हा और दुल्हन की मर्ज़ी से निकाह नामे को भरना भी ज़रूरी करार दिया गया है। और अभी हाल ही में हुकूमत पंजाब ने 2016 में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए उनकी हिफाजत का कानून भी इंट्रोड्यूस करवाया है जो ख़वातीन के काम करने की जगह पर हिरासा करने को कम करेगा। काम की जगह पर ख़वातीन को जिंसी तशद्दुद का निशाना बनाने के ख़िलाफ़ 2010 में कानून साजी की गई ताकि काम की जगह पर, यानी कि जहाँ पे वो जॉब वगैरह करती हैं, वर्क प्लेस जो है उनकी, वहाँ पे ख़वातीन की जिंसी तौर पर हिरासा करने के अमल में कमी लाई जाए जो मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए आम रुकावट है। हिरासा करने के वाकयात पहले रसवाई की वजह से दर्ज नहीं करवाए जाते थे, अगरचे पंजाब में काम करने वाली जगह पर ख़वातीन को हिरासा करने की शिकायत पूरे पंजाब में मुतसिब के पास जमा करवाई जा सकती हैं। शिकायत टैक्स फ्री हेल्पलाइन 1043 पर लिखवाई जा सकती हैं या तहरीरी तौर पर मुतसिब को जमा करवाई जा सकती हैं। पंजाब में कम उम्री की शादी पर पाबंदी का एक्ट
2015 में पास हुआ था, ताकि 16 साल से कम उम्र लड़की और 18 साल से कम उम्र लड़के की शादी करने वाला या इसमें शामिल होने वाले के लिए सज़ाओं में इजाफा किया जा सके। इस कानून के तहत कोई भी जो 18 साल से कम उम्र लड़के और 16 साल से कम उम्र लड़की की शादी की मजहबी रसूमात सर अंजाम देगा, इसे 6 माह तक कैद और 50,000 रुपये जुर्माना जो है वो किया जा सकता है। और यही सज़ा जो है वो निकाह ख्वां और कम उम्र दूल्हा और दुल्हन के जो वालदैन हैं उन पर भी लागू होगी। ये कानून 24 फरवरी 2016 को पास किया गया था और इसका मकसद ख़वातीन को मुख्तलिफ जराइम बशमूल जुर्म की तरगीब, घरेलू बदसलूकी, जज्बाती और नफ्सियाती बदसलूकी, मुआशी बदसलूकी, ताकुब और साइबर क्राइम से तहफ़ देना है। ये पाकिस्तान का पहला कानून है जिसे नाफिस करने का अपना तरीक़ा कार है, जिसे वज़ीरे आला पंजाब के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट लॉ एंड ऑर्डर ने तश्कील दिया है। इस वक्त हुकूमत पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्स में मुतासरा ख़वातीन को तिब्बी इमदाद और इंसाफ की फरहमी के लिए इंसदाद तशद्दुद मराकज़ बराए ख़वातीन कायम किए जा रहे हैं और मुफ्त टेलीफोन हेल्पलाइन और पनाहगाह कायम किए जाएंगे। इस वक्त पंजाब के तमाम अज़ला में पहले से मौजूद दारुल अमान और मुफ्त हेल्पलाइन ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाकियात को दर्ज करने और उन्हें आर्जी तौर पर पनाहगाह मुहैया करने की हौसला अफजाई करता है और वो अपने घरों में गैर महफूज हैं। हेल्पलाइन पंजाब कमीशन बराए ख़वातीन का मकाम PCSW के लिए है और किसी भी लैंडलाइन या मोबाइल फ़ोन से 1043 मिलाकर रसाई हासिल की जा सकती है। हेल्पलाइन ऑपरेटर मुतासरा खातून को किसी भी किस्म की मालूमात फराहम करने के अहल हैं। पंजाब पुलिस ने भी जराइम के मुअस्सर अंदराज के लिए एक हेल्पलाइन कायम की है। इस हेल्पलाइन तक रसाई 8787 को SMS करके हासिल की जा सकती है। और हुकूमत पंजाब का तहफ़ निस्वा कानून 2016 जो है वो अदालती अहकाम के लिए ख़वातीन को इस तरह से मुआवनत मुहैया करता है। शिकायत के किसी भी मरहले में अदालत अगर ज़रूरी ख्याल करे तो एक अबूरी हुक्म जारी कर सकती है। अगर अदालत मुतमैन होती है कि शिकायत जाहिर करती है कि मुलज़म ने तशद्दुद किया है या तशद्दुद का मुर्तकिब होने का इरादा रखता है तो मुतासरा ख़वातीन के तहरीरी बयान पर अदालत में पेश किए गए किसी दूसरे सबूत की बुनियाद पर एक आर्जी अबूरी हुक्मनामा जारी कर सकती है। मुतासरा ख़वातीन अपने मुजरिमों से तहफ़ुज़ के लिए एक हफाजती हुक्मनामा हासिल कर सकती हैं। तहफ़ुज़ाती अहकामात के ज़रिए अदालत मुजरिमीन को मुतासरा ख़वातीन से एक फ़ासले तक रहने के अहकामात दे सकती है। हफाजती हुक्म पर अमल को यकीनी बनाने के लिए मुजरिमों को GPS ट्रैकिंग ब्रेसलेट सिर्फ संजीदा वाकियात के लिए होंगे, यानी कि जहां मुजरिम किसी की जान के लिए शदीद ख़तरा ज़ाहिर करता है, मुतासरा औरत की सलामती और इज़्ज़त के लिए मुजरिम इन GPS ट्रैकिंग ब्रेसलेट को उतारने के काबिल नहीं होंगे। अगर मुजरिम GPS ट्रैकिंग ब्रेसलेट को उतार देता है तो मरकज़ इंसदाद तशद्दुद बराए ख़वातीन को खुदकार तरीके से इत्तला मिल जाएगी और इसके नतीजे में मुजरिम को मज़ीद 6 माह से 1 साल तक इजाफी कैद हो सकती है। घरेलू तशद्दुद के वाकियात में अदालत एक सुकूनती हुक्मनामा मंजूर कर सकती है जिसके तहत मुतासरा खातून को घर से नहीं निकाला जा सकता। अदालत ये भी हुक्म जारी कर सकती है कि मुतासरा औरत को अपने घर में रहने का हक हासिल है। मुतासरा औरत अगर ये समझती है कि वो अपने घर में महफूज नहीं है तो उसे आराम, तहफ़ुज़ और आबादकारी के मकसद के लिए दारुल
अमान भेजा जा सकता है। जब मुतासरा औरत को जानी खतरे के सबब जबरन घर छोड़ना पड़े या मजबूर करने पर इसे घर से बाहर निकाल दिया जाए, तो अदालत इसके रिश्तेदारों को इसके लिए मुतबादिल रिहाइशगाह का बंदोबस्त करने या मुतासरा औरत को किराया अदा करने का हुक्म जारी कर सकती है। माली हुक्म के ज़रिए अदालत मुजरिम को मुतासरा औरत के मुकदमे पर होने वाले अखराजात और नुकसानात को पूरा करने के लिए माली अखराजात अदा करने का हुक्म दे सकती है। अदालत मुजरिम को यह भी हदायत कर सकती है कि मुतासरा औरत के रोज़गार और तिब्बी अखराजात जो इसकी बदसलूकी की वजह से हुए, इन तमाम अखराजात की तलाफ़ी का हुक्म दे सकती है। अदालत मुजरिम को मुतासरा औरत और इसके बच्चों के खर्चे का माकूल बंदोबस्त करने की हिदायत कर सकती है। रियासत और मुआशरा दोनों को ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को जड़ से उखाड़ने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इस मकसद को हासिल करने के लिए इस मामले के हवाले से खामोशी और बदनामी पर बहस की जानी चाहिए, मुतासरीन को इमदाद मुहैया करनी चाहिए और इनके जुर्म की रिपोर्ट करने की हौसला अफजाई करनी चाहिए।